गर्व की बात है और खुशी की बात है। मैं आप लोगों का जो जोश देख रहा था और जो अंदर से जो भाव निकल रहे हैं, ये वास्तविक में बहुत ही परिवर्तन करने की ओर जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, सीधे सीधे पॉइंट पर आऊँगा, जो हमारे नगीना के सांसद बड़े भाई श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी को नगीना की जनता ने जो ताकत दी है, जिसमें मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़ के ताकत दी है, जिसमें सभी बहुजनों ने बढ़ चढ़ के ताकत दी है, और आज उसका परिणाम क्या निकल के आया है पूरा देश देख रहा है। आज जो आपका पार्लियामेंट है, संसद भवन, सब फीके पड़ गए आपके नेता के आगे, और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो मुद्दे उठाए हैं वो हम आप सबके हैं, और वो मुद्दे वही हैं जैसे बाबा साहब ने संविधान में हम आप सबको जो जगह दी, हम आप सबको जो ताकत दी, अगर आज वो ताकत नहीं दी होती तो आप सोचो हमारा आपका क्या होता। हम लोग कहीं के नहीं होते। आज की तारीख में हम लोगों का वो हाल होता तो आज से अगर बहुत पुरानी परंपराओं में चले जाओ, जहां पर इतना शोषण होता था, जिसका अगर वर्णन करूं तो आज की युवा पीढ़ी जो है वो थरथरा जाएगी। क्या दलितों के साथ में शोषण होता था? ऐसी ऐसी परंपराएं थी कि हम उन सामंतियों के सामने बैठ नहीं सकते थे, कपड़े तक सही से नहीं पहन सकते थे, टैक्स लगाया जाता था, अगर हम अच्छे कपड़े पहनेंगे शरीर दिखता था, उस पर टैक्स लगता था। तो ऐसी ऐसी बहुत सी स्टोरी हैं, बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन हम लोग मेन पॉइंट पर आऊँगा। देखिए, हम लोग पूरनपुर तहसील के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर ये जितने भी युवा बैठे हैं, क्योंकि अब वक्त हम लोगों का है, आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब पूरनपुर से केवल एक रेशियो की बात करूँगा और आज मैं उन कुछ बिंदुओं पर बात करूँगा, अगर शायद आप लोगों के समझ में आ गई तो हम लोग अपने मोहल्ले से ही परिवर्तन करना शुरू कर देंगे। राजनीति में हमारा ही सभासद होगा, हमारा ही पूरनपुर में चेयरमैन होगा, हमारे ही गांव में प्रधान होंगे, हमारे ही पंचायत सदस्य होंगे, हमारा ही विधायक होगा। मिला वो सपा में चला गया या और किसी पार्टी में चला गया, आज जो आपके भाई चंद्रशेखर ने जो आजाद समाज पार्टी बनाई है, आज इसमें सभी लोग अपनी भूमिका आप निभाएंगे। अब ये क्या करेंगे सामंती, आज अगर हम एक विधायक चुनेंगे यहाँ पर, उसमें हम भी हैं, मैं ओबीसी समाज से हूँ, ओबीसी समाज के लोगों के समझ में आने लगा है। जिस दिन हमारे समाज का मुसलमान, जिस दिन दलित समाज, एससी और जिस ये दो मिल गए, और अगर ओबीसी उनके ऊपर चढ़ गया तो इनके पास बचे कितने 8-9% रहेगा। बिल्कुल सही बात, 8-9 अभी आप 8-9% रहेगा, 8-9% ये क्या करेंगे। लेकिन हम लोगों को चुनाव के समय पर बरगलाया जाता है, वो चुनाव के समय पर दाना डालते हैं। जैसे कैसे डालते हैं, जैसे कि हिंदू सोसाइटी में गए, उन्होंने कहा कि एक हिंदू भाई को चुन लो, नहीं तो मुसलमानों से खतरा हो जाएगा। मुस्लिम सोसाइटी में आकर के कहा जाता है कि एक को चुन लो, नहीं तो हिंदुओं से खतरा हो जाएगा। चुनाव जीतने के बाद में वो लोग पूरी 5 साल मस्ती करते हैं, और हम आपका क्या